convenience caused is deeply regretted. कृपया ध्यान दीजिए. माँ सुनो ना, ऐसा नहीं है. चार दिन तक जागे भी, काउंटर तक भागे भी, एजेंटों को पैसा भेज दिए, दोस्त लोगों को भी मैसेज किए कि हमको ना कोई बहाना ना कोई सवाल चाहिए, हमको बस कल की गाड़ी का टिकट और वो भी तत्काल चाहिए. परोदर जी, इस बार भी हमारी फटी किस्मत सिला नहीं, हमको इस बार भी तत्काल टिकट मिला नहीं. पर हम हारेंगे थोड़े, हार जाएंगे. और नहीं मिला ना टिकट तो चालू गाड़ी में चढ़ जाएंगे. पर इस बार भीड़ में खोएंगे नहीं, चादर बिछा कर सोएंगे नहीं. और इस बार भीड़ में खोएंगे नहीं, चादर बिछा कर सोएंगे नहीं, नकली मुस्कुरा कर रोएंगे नहीं. क्योंकि जब जनरल बोगी में हम लोग सीट के लिए जुझता है, तब साला रेलवे का विकास बुझता है. खैर, कितना दिन सरकार हमनी लोगन के बांट लेगा. सेठ भी बोला कि इस बार घर गए तो पैसा काट लेगा. तो हम 6 साल के सबर का बांध उसी दिन तोड़ दिए. माँ, हम उसी दिन नौकरी छोड़ दिए. ताकि घर आ सके, दिवाली पर पटाखा बचा सके और घाट सजा सके. और माँ, इस बार ना गली सजाएंगे तो इधर उधर चूना नहीं छोड़ेंगे. कसम से कह रहे हैं, घाट सूना नहीं छोड़ेंगे. घाट पर पटाखा जलाएंगे और वो गीत है ना, कांच ही बस के बहेंगी, वो गीत तुम्हारे संग गाएंगे. हाँ, मिल गया है सीट. हाँ, बैठ गए. हाँ, आते हैं. पर इस बार लौटने में गरज नहीं करेंगे, पैसा कमाने के चक्कर में परिवार खर्च नहीं करेंगे. इस बार काम में व्यस्त नहीं होंगे, अरग घाट पर देंगे, किसी सेठ के गल्ला पर अस्त नहीं होंगे. Inconvenience caused is deeply regretted. कृपया ध्यान दीजिए.